नमस्कार प्रिय साथियों, आपके ज्योतिष के दार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय तुला राशि। मई मास में क्या फल घटित होगा आपने सोचा नहीं होगा, यह घटना आपके साथ होकर रहेंगी। प्रिय साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उसी प्रकार ही हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय साथियों, मास में सूर्य गुरु की दृष्टि रहने से स्वास्थ्य में कष्ट तथा परिवार में चिंता रहेगी। प्रयास करने पर रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। प्रिय साथियों, सर्विस अथवा कारोबार संबंधी अनेक कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, इस मास में किसी विशेष स्नेहजन व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी। प्रिय साथियों, यहां पर आपके सप्तम भाव पर सूर्य उच्च शिखर गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त कराएगा और आपको आय के नए स्रोत प्राप्त कराएगा। जीवन सुखों का आगमन होगा, परंतु यहाँ पर सूर्य की सप्तम दृष्टि नीच राशि गत तुला राशि पर पड़ रही है, जो कि आपकी राशि पड़ रही है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में विकार तथा शारीरिक कष्ट वाहन इत्यादि देखकर चलाएं। यह मास में आपको शारीरिक कष्ट इत्यादि के योग बना रहे सूर्यदेव। सूर्यदेव आपको धन धान्य का लाभ भी प्राप्त कराएगा तथा शारीरिक कष्ट इत्यादि के योग भी बनाएगा। आपकी राशि पर केतु के गोचर के होने के कारण आपको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा फालतू धन खर्चे के योग बनेंगे। मन परेशान रहेगा तथा घबराहट, चिंता इत्यादि की स्थितियां उत्पन्न करेगा। प्रिय साथियों, 14 के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसके कुप्त रोग उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आपको शरीर कष्ट इत्यादि योग बने। प्रिय साथियों, इस मास में आपको सूर्य का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यदि आप सूर्य का उपाय करते हैं तो आपको शुभ फल प्रदान होगा। प्रिय धन धान्य का तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त कराएगा, आय के भी नए स्रोत प्राप्त कराएगा, परंतु शरीर कष्ट इत्यादि यहाँ पर योग बना रहे, इसलिए सूर्य का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, आपके पंचम भाव पर शनिदेव कुंभ राशि गत गोचर कर रहा है, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त करेगा, विद्या बुद्धि में विकास कराएगा, आय के नए स्रोत प्राप्त करेगा, विद्यार्थी वर्गों को विद्या क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कराएगा। इस मास में आपको सफल अंक प्राप्त होंगे, टेस्ट क्लियर होता हुआ आपको नजर आएगा। प्रिय साथियों, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण धन धान्य का लाभ प्राप्त कराएगा तथा दशम दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण विद्या एवं धन प्राप्ति के योग बनाएगा। प्रिय साथियों, शनिदेव यहाँ आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त कराएगा। यहाँ पर शनिदेव आपको प्रेम सुख भी यहाँ पर प्राप्त करने के जो बना रहे हैं। आपका कैरियर आपको बनता हुआ नजर आएगा, आय के नए साधन प्राप्त कराएगा। आपके दशम भाव पर नीच राशि गत मंगल ग्रह गोचर कर रहा है। प्रिय साथियों, जो आपके शरीरी फलों को न्यूनत करेगा, इसलिए आपको मंगल के संबंधित दान पुण्य करना तथा जप करवाना आपके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि आपको शनिदेव शुभ फल प्रदान कर रहा है, सूर्य भी आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, परंतु आपके दशम भाव का स्वामी आपका कर्म आपका इस मास में साथ नहीं देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं भी आपका कर्म आपका साथ दे, इसलिए तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी का लेप कराना चाहिए, चमेली और सिंदूर के साथ तथा पानी वाला नारियल, मीठा पान, दो लड्डू हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपका कर्मेश आपका साथ देगा, आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। अपने साथियों, क्योंकि भाग्येश का स्वामी आपके सप्तम भाव में गोचर का है, जो आपके लिए बेहद शुभ है। केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संबंध बना रहा है, सूर्य के साथ आदित्य योग को निर्माण कर रहा है, जो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहा है, सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको विद्या बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। इस मास में आपको यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग भी बनाएगा, धन धान्य का लाभ भी प्राप्त करेगा, स्त्री सुख इत्यादि के योग भी बनाएगा, परंतु सूर्य की स्थिति हट जाने के बाद यहाँ पर आपको स्त्री सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, 14 के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, आपके नवम भाव का स्वामी सप्तम गत गोचर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त कराएगा तथा आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। प्रिय साथियों, आय के नए स्रोत प्राप्त करेगा, विद्या बुद्धि में विकास करेगा। यह मास आपके लिए वेद शुभ रहेगा, यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी आपके लिए वेद लक्की साप्त होने वाला है। प्लीज साथियों, आपको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए तथा माता दुर्गा को पानी वाला नारियल शुक्रवार के दिन अर्पित करना चाहिए। प्लीज साथियों,
आपको एक बात विशेष कर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी जो वह नीच राशि का गोचर कर रहा है, मंगल आपके कर्म भाव में, इसलिए मेष राशि और आप तुला राशि वालों दोनों के लिए आपको मंगल का उपाय करना अत्यंत जरूरी आवश्यक है। प्रिय साथियों, आपको मंगल का उपाय करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा प्रिय साथियों, जो आपकी किस्मत को बदल कर देगा। प्रिय साथियों, यह मास में आपकी किस्मत आपको बदलती हुई नजर आएगी। प्रिय साथियों, मंगल का उपाय जरूर करें। प्रिय साथियों, मंगलवार के दिन गुड़ और कनक गौशाला में दान करें तथा हनुमान जी का जो आपको उपाय बताए गए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको नाना प्रकार के संकटों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव में गोचर कर, जिसके फलस्वरूप आपको नौकरी प्राप्ति में तथा कारोबार में संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। गुस्सा अधिक करेगा, माता पिता के साथ आपके विचार कम मिलेंगे तथा उनसे लड़ाई झगड़े इत्यादि की स्थितियों उत्पन्न करेगा तथा शारीरिक कष्ट कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्या पर क्रिएट करेगा। प्रिय साथियों, तथा भूमि भान इत्यादि पर आपका हानि होने का जोग बनाएगा। प्रिय साथियों, आपका समाज शुभ रहे। नमस्कार प्रिय साथियों।